अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए गवार फली का सालन तैयार कर रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है, इसको मैं घी में तैयार करूँगी। सब्ज़ी घी में ज़्यादा मज़ेदार होती है। मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसको मैं ब्राउन करूँगी। फ्लेम अभी तेज़ है, मैं इसे थोड़ा सा मीडियम कर रही हूँ। मैंने 250 ग्राम ग्वार फलियाँ ली थी, जिन्हें इस तरह काट के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसमें ये 3 साबुत मिर्चें शामिल कर रही हूँ, ये भी थोड़ी सी ब्राउन होंगी। अब मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 पिंचेस कलौंजी के सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक डाल के इसे अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर काटा है, छोटे छोटे से पीसेस में, वो भी मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। और ये मसाले मैं डालूँगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूख मिर्च और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब मैं फ्लेम लो कर रही हूँ और इसमें 1 टेबलस्पून पानी शामिल करूँगी। अब मैं ढक्कन ढक के इसे रख रही हूँ, जब तक के टमाटर गलेंगे। तीन चार मिनट हो चुके हैं, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और टमाटरों को यहाँ मैं घोट देती हूँ अच्छी तरीके से। मसाला भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इन फलियों को शामिल कर रही हूँ। और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये फलियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, लिहाजा इसमें पानी बहुत कम पड़ेगा। अब थोड़ा सा अदरक मैं इसमें इस स्टेज पे शामिल करूँगी, क्योंकि ये बहुत बादी होती हैं। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, मैं इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर रही हूँ और हल्की आंच पे गलने के लिए रख रही हूँ। दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें चेक कर रही हूँ। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है और ये बहुत अच्छी सी टेंडर भी हो गई हैं। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें जो मैंने काट कर रखी थी, वो थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे भूनूंगी ताकि जो मज़ीद पानी इसमें रह गया है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और ऑयल पूरा ऊपर आ जाए। फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है। अब मैं इसे ढक कर रख रही हूँ ताकि ये अदरक वग़ैरह जो मैंने डाले थे ये दम में पर आ जाएं, और थोड़ी देर बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और डिश आउट करने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छी सी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है।
आप इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा देती हैं। मैं अचार भी इसके साथ इस्तेमाल करती हूँ। व्यूअर्स, ये ग्वार की फलियों की भुजिया तैयार हो चुकी है। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।